पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में ट्रेन संचालन शुरू होने के बाद टिकट दलाली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मुरादाबाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। मुरादाबाद रेलवे डिवीज़न की सीनियर DCM रेखा शर्मा का ये कहना है कि टिकट दलाली में जो लोग सम्मिलित पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा मकसद ये है कि इस मुश्किल घड़ी में सभी की मदद की जाए और जो लोग ऐसे गलत काम करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रेन संचालन से पहले शुरू हुई टिकटों की दलाली, RPF ने पकड़े 8 रेल टिकट दलाल। 20 मई से 28 मई तक विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही को दिया गया अंजाम। बरामद ई टिकटों की कीमत 1,90,000 के करीब। चेकिंग के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल भी किए गए जब्त। रेलवे की RPF फोर्स ने रेल आरक्षित टिकटों के दलालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 41 ई टिकट बरामद भी किए गए। बरामद किए गए टिकटों की कीमत 1,99,000 आई है। 22 मार्च के बाद ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके बाद ई टिकटों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह भी शांत हो गए थे। अब केवल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। रेलवे बोर्ड ने 1 जून से देश भर में 200 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन और काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। वो अच्छा है रेलवे का, उसमें जो है लोगों को जो है जो आए दिन जो परेशानी होती है, हम जैसे भाग का काम है हमारा कानपुर लखनऊ का, तो उस समय बहुत परेशानी होती है। हमें आए दिन हमें रिजर्वेशन मिलता नहीं है भाई साहब 15 दिन तक, तो उससे जो है 1 महीने 2 महीने पहले करवा लेंगे तो हमें आराम मिलेगा, उससे बहुत अच्छा है रेलवे का। हाँ, 120 दिन का प्रोसीजर रेलवे का अच्छा है। हाँ, प्रेजेंट फिलहाल, अब तो फिलहाल तो जैसे कि अब देखते हुए कोरोना का, तो उस हिसाब से ठीक है 120 दिन का। सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि रेलवे को जानकारी मिल रही थी कि कुछ गिरोह फर्जी ई टिकट बनाकर बेच रहे हैं। RPF की स्पेशल सेल ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 20 मई से 28 मई तक अभियान चलाया। इस अभियान में साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर प्रबल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ई टिकटों की कालाबाजारी व उनकी दलाली करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल व 50 अन्य लोगों की ID, 41 ई टिकट व 1,99,452 रुपए बरामद हुए हैं। रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 143 के तहत मुकदमा दर्ज कार्यवाही की जाएगी। अभी कल जो रेलवे बोर्ड द्वारा एक जारी जो गाइडलाइन है उसमें 120 दिन पहले यात्रा के अपना टिकट बुक करा सकते हैं। ये IRCTC द्वारा ऑनलाइन भी हो सकता है और काउंटर्स के माध्यम से भी आप टिकट करा सकते हैं। इसमें RPF जो है 20 तारीख से 28 तारीख तक उन्होंने एक सघन अभियान चलाया, जिसमें काफ़ी जगह जो शॉप्स हैं जो कि IRCTC द्वारा पंजीकृत हैं और जो ऑनलाइन रिजर्वेशन का कार्य करती हैं उनको चेक किया गया है। और इसमें 8 दलाल जो हैं उनको पकड़ा गया जो गलत गतिविधियों में लिप्त थे, उन पे रेलवे अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल जो है इस तरह के कार्य कर रही है, ड्राइव चला रही है, मंडल में विभिन्न जगहों पे इस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है।